और इन इलाकों को सैनिटाइज करने की कोशिश भी आईडीएफ द्वारा की जा रही है। लेकिन इस बीच जो हमास की नई युद्ध को लेकर रणनीति सामने आई है उसको किस तरीके से देखा जा रहा है खासतौर पर आईडीएफ द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। विपिन आपका रुख करना चाहूंगी, अब आगे आईडीएफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी जब ये साफ हो गया है कि हमास चाहता है कि ये जो जंग है वो लंबी खींचे। विपिन आप मुझे सुन पा रहे हैं? विपिन का हम दोबारा रुख करेंगे, लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर का जी विपिन अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हमास की नई युद्ध को लेकर रणनीति सामने आई है जिसपे साफ हो गया कि वो चाहता है कि जंग लंबी खींचे, अब इस पर आईडीएफ की रणनीति क्या हो सकती है आने वाले दिनों में? बिल्कुल प्रतिमा, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। दरअसल मैं मोबाइल में इसलिए व्यस्त था क्योंकि कुछ सवाल हमने आईडीएफ को भेजे थे अपनी तरफ से अल शिफा अस्पताल को लेकर कि वहां चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, रात में ऑपरेशन शुरू किया गया तो अब स्टेटस क्या है। उन्हीं सवालों का जवाब आया था जो कि मैंने ऑफिस को भेजा तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो सवाल जो थे उसके जवाब में उस बड़े अधिकारी ने यह कहा है कि हम इस युद्ध को लीड कर रहे हैं, यदि आवश्यक हुआ तो अल शिफा अस्पताल में इजरायली ऑपरेशन को हम और बढ़ाएंगे। साथ साथ ये भी कहा है कि सेना को ठीक ठीक पता है कि उसे वहां पर क्या मिलने वाला है, इसीलिए हमने रात को 2 बजे इस ऑपरेशन को शुरू किया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अभी छोटी शुरुआत कर रहे हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर इस ऑपरेशन का विस्तार किया जाएगा। अब वापस लौटते हैं आपके सवाल पर, जहां तक ये है कि हमास इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है, वजह यह है कि हमास इस युद्ध में समय चाहता है अपने आप को रीअरेंज करने का, जो आर्म्स एम्यूनिशन है उनको इकट्ठा करने का, और मुस्लिम देश जो उसकी मदद में चाहे वो ईरान हो, लेबनन हो, सीरिया हो, यहां से कुछ और मदद उसको मिल सके। बेशक ये युद्ध नॉर्थ गाजा में सेंट्रिक हो गई हो लेकिन बहुत सारे लड़ाके कमांडर्स और ऐसे मुखिया हैं जो भागकर साउथ गाजा में शरण लिए हुए हैं और ये चाहते हैं कि युद्ध विराम के साथ ही कुछ वक्त उनको मिल जाए ताकि रीअरेंज करके दोबारा से अटैक किया जा सके और आईडीएफ को उनकी धरती पर जवाब दिया जा सके। जी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी तरफ से कही जा रही है, अब इसको लेकर आईडीएफ किस तरीके से आगे बढ़ती है देखना बहुत जरूरी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां 7 अक्टूबर के हमले का नया वीडियो इस बीच सामने आ गया। हमास के लड़ाकों और आईडीएफ के जवानों के बीच फायरिंग की ये तस्वीरें हैं। हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ पर ग्रेनेड फेंका, उसका भी ये वीडियो है। आईडीएफ के जवानों ने उसी ग्रेनेड से पलटवार किया। Oh, 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 oh.